नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का न्यूज हेल्पलाइन के फेसबुक पेज लाइव में। और इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं डॉक्टर अनुराधा चौहान, पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट हैं मैम। और मैम आपका स्वागत है हमारे इस फेसबुक लाइव में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया आज के लाइव में जुड़ने के लिए। आज का जो हमारा मुद्दा होगा वो होगा ब्लैक फंगस क्यों इतना खतरनाक माना जा रहा है और क्यों कुछ राज्यों ने इसको महामारी तक घोषित कर दिया, और क्या इससे डरने की जरूरत है या नहीं। धीरे धीरे आप लोग इस फेसबुक लाइव से जुड़ते जाइए ताकि आप लोग इसमें ज्यादा से ज्यादा अपना पार्टिसिपेशन कर सके और शेयर कर सके लोगों के साथ। इस चर्चा में मैम हमें बताएंगी कि एक पब्लिक के तो को किस तरीके से इससे बचना है, किस तरीके से अवेयर रहना है और क्या इसके स्टेप्स होंगे जिससे कि आप अपने आप को इस महामारी से बचा सकते हैं, और आगे क्या आगे आपको करना है, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग कोरोना महामारी से बहुत परेशान चल रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज के सेशन को। मैम से सवाल करेंगे और मैम कुछ अच्छे काम भी इस पूरे लॉकडाउन में करती आई हैं, तो उन पे भी चर्चा करेंगे मैम से। लगभग 6:30 बजे तक हमारी ये चर्चा चलेगी, तो आप साथ जुड़ते जाइए और जुड़ते जाइए और इसको आगे से ज्यादा शेयर करते जाइए। मैम स्वागत है आपका हमारे चैनल पे एक बार फिर से। मैम सबसे बड़ा सवाल कि ब्लैक फंगस से कितना खतरा है और कितना डरने की जरूरत है आम जनता को, आम पब्लिक को, जिस तरीके से कोरोना से डर है मन में, क्या सेम ब्लैक फंगस का भी डर है? देखिए पवन जी और सारी जनता, ये एक वेल नोन फैक्ट है कि ब्लैक फंगस के जो केसेस हैं वो काफी मात्रा में उभर के सामने आए हैं। बट इस साथ में ये भी ट्रू है कि ब्लैक फंगस कोई एक नई बीमारी नहीं है। इसका जो दूसरा नाम है, जिसको म्यूकोरमाइकोसिस भी बोलते हैं, ये कोई नई बीमारी नहीं है। ये पहले से प्री एग्जिस्टिंग एक बीमारी है जो कि फंगस से होती है। ब्लैक फंगस के केसेस जब पहले से थे तो अचानक से क्या हुआ कि ये अचानक से इतनी मात्रा में बढ़ने लगे जो देखने के लिए आ रहा है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है कि जो जो कोविड में जो दवाइयां दी जाती हैं, खासतौर से जो स्टीरॉइड्स यूज किए जाते हैं, उनका काफी इनडिस्क्रिमिनेट यूज हुआ है। जनता ने अपने आप भी घर बैठ के भी स्टीरॉइड्स खाए हैं और कुछ डॉक्टरों ने काफी लंबे टाइम तक भी स्टीरॉइड्स दिए हैं, जिनकी वजह से क्या हुआ है, जो स्टीरॉयड का एक साइड इफेक्ट देखने को मिलता है, इम्यूनो सप्रेशन, जिसकी वजह से हमारी बॉडी की इम्यूनिटी सप्रेस हो जाती है, वो हो जाती है। तो जब इंसान की इम्यूनिटी सप्रेस हो जाती है स्टीरॉयड के इनडिस्क्रिमिनेट यूज से, तो उसके इन्फेक्शन अक्वायर करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इस वजह से ना केवल म्यूकोरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस बल्कि दूसरी बीमारी को अक्वायर करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो लेकिन मैम इस ये जो ये बीमारी बढ़ रही है इस पे जी क्या बोलते हैं, जो डर बनाया जा रहा है या डर है, क्या डरने की भी जरूरत रहेगी? हाँ, वो मैं बता देती हूँ कि किन लोगों को डरने की जरूरत है और किन लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। ये जो बीमारी है ये उन्हीं लोगों को होती है जिनका जो इम्यूनिटी है वो पहले से ही किसी ना किसी बीमारी की वजह से ग्रसित है, या वो कोई ऐसी दवाइयां खा रहे हैं जिसकी वजह से उनका इम्यूनो सप्रेशन हो सकता है। जिन लोगों की इम्यूनिटी कमजोर है, ये बीमारी उनको पकड़ने के चांसेस ज्यादा हैं। आम जनता को इसके होने के जो चांसेस है वो लगभग ना के बराबर हैं। तो जो आम जनता है उसको इस बीमारी से डरने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई भी घर बैठे कभी भी किसी को ब्लैक फंगस की बीमारी हो सकती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। खास तौर से जो जिन लोगों को अनकंट्रोल्ड डायबिटीज रहती है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट के पेशेंट जो कि इम्यूनो सप्रेसिव मेडिकेशन पे होते हैं, HIV प्रेग्नेंट फीमेल्स, इन लोगों में इम्यूनिटी थोड़ी कमजोर होती है। तो इन लोगों को रिस्क है कि इनको ये बीमारी या कोई और भी बीमारी जल्दी कैच करे। मैम आप एक पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट हैं और पूरे लॉकडाउन में आपने काफी सारी जनता की मदद भी की है अपनी एक्सपर्टाइजेशन से, लोगों को सजेशंस देके और उन्हें गाइडेंस देके। थोड़ा सा उसके बारे में हम जानते हैं, फिर आगे इस मुद्दे पे और बढ़ेंगे कि किस तरीके से आप गाइडेंस दी पूरे लॉकडाउन, क्या क्या आपने स्टेप्स उठाए हैं, थोड़ा सा जनता को बताएं अपने बारे में और क्या आपके प्रोसेस और क्या आपने आगे काम किया है अभी तक। जी देखिए, इस बात से तो सभी लोग वाकिफ हैं कि इस दौरान में हर कोई हार्ड टाइम से गुजर रहा है। हर बंदा किसी ना किसी तरह की क्रिटिकलिटीज से जूझ रहा है इस टाइम पे, कोविड पैंडेमिक के टाइम पे। खास तौर से जो ये अभी सेकेंड वेव आई है, इसमें वायरस का ट्रांसमिशन बहुत ज्यादा देखा गया है। तो जहां जब मैंने देखा कि पब्लिक कितनी परेशान है, लोगों को बेड नहीं मिल रहे हैं, ऑक्सीजन नहीं मिल रहे हैं, पुअर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर होने की वजह से लोगों को वो सुविधाएं मुहैया नहीं हो पा रही है जो उन्हें मिलनी चाहिए। इवन एक सिंपल बेड तक मिलना लोगों को दूभर हो रहा था अभी। तो बिल्कुल मैंने सोचा, मैंने यहाँ तक भी देखा कि लोग मर जाते हैं, मतलब उनको हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड नहीं होता है,
उनको सिंपल ऑक्सीजन नहीं मिलती है, बेड नहीं मिलता है, जिसकी वजह से उनकी एक सीवियर कोविड की वजह से डेथ हो जाती है। तो इससे मेरे को काफी संवेदना होती थी, तो मैंने जितना भी ज्यादा मैं कर सकती थी लोगों को मैंने करने की कोशिश करी, फोन कॉल्स के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, या फिर जो ये मीटिंग्स होती हैं, जूम मीटिंग, वेबिनार, गूगल मीट्स वगैरह। कुछ एनजीओ के साथ में भी जुड़ी मैं, जैसे कि मदद फाउंडेशन, इनके साथ जुड़ के मैंने काम किया, ताकि जो मैं अपनी सर्विसेज है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, वो मैं लोगों तक पहुंचा पाऊं। क्योंकि मुझे दिख रहा था कि जनता बहुत ही ज्यादा क्यूरियस है, उनके मन में तरह तरह के सवाल है, तरह तरह के डाउट्स हैं, जिनको मुझे लगता था कि मैं किसी भी तरह से उनको मीटअप कर पाऊं, जो नीडी पीपल है बिल्कुल। हम। तो अभी आपने किस किस एनजीओ के साथ मिलके ये सारा काम किया और कितने लोगों को अभी तक आपने अवेयर किया है? जी नंबर्स तो मैं नहीं बता सकती हूँ इस टाइम पे, बट मैं ये कहूंगी कि जो जब से मैं एनजीओस के साथ में जुड़ी हूँ और जब से मैंने डिजिटल मीडिया का, डिजिटल टेक्नोलॉजी का उपयोग करना शुरू किया है, तब से जो मेरी रीच है ज्यादा पब्लिक तक, वाइडर पब्लिक तक हो पा रही है, जिससे कि जो मुझे है ना, इंटरनल सेटिस्फेक्शन बहुत ज्यादा मिलता है। जब मुझे लगता है कि मेरी गाइडेंस के थ्रू लोगों को फायदा पहुंच रहा है, ज्यादा से ज्यादा लोग उसका फायदा उठा पा रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा जनता अपनी क्यूरियोसिटी या डाउट्स को सेटिस्फाई कर पा रही है, तो मुझे एक इंटरनल सेटिस्फेक्शन मिलता है। मदद एनजीओ के थ्रू जो है, तो मैम, मैंने क्या जी क्या वो सवाल रहते हैं ज्यादातर जो कोविड पेशेंट्स होते हैं या कोविड पेशेंट्स की फैमिलीज होती हैं, उनके जो जी सवाल आते हैं ज्यादातर क्या सवाल होते हैं या क्या शंकाएं उनके मन में अभी भी हैं? जी मैं आपको कुछ एक शंकाएं जो ज्यादा फेमस है लोगों में, जो ज्यादातर होती है, वो मैं आपको बता देती हूँ। अभी म्यूकोरमाइकोसिस एट प्रेजेंट सबसे ज्यादा जो है कंसर्न की चीज है। तो एट प्रेजेंट तो लोगों को ब्लैक फंगस का सबसे ज्यादा डर है। लोग जानना चाहते हैं, जो कि क्वेश्चन आपने मुझसे अभी अभी किया, कि क्या हमें हो सकता है या नहीं, क्या हम रिस्क पे हैं या नहीं, ये सवाल एट प्रेजेंट जनता के मन में सबसे ज्यादा है। बट म्यूकोरमाइकोसिस एपिडेमिक आने से पहले भी, जब कोविड का फेज सेकेंड वेव चल रही थी, उस दौरान में ज्यादातर लोग मुझसे कोविड के बारे में सवाल करते थे, कि जैसे कि हमें क्या सावधानियां बरतना चाहिए, कि हमारे घर में अभी एक कोविड का पेशेंट आया है, आरटीपीसीआर उनका पॉजिटिव आया है, तो हम बाकी फैमिली के लोग क्या कर सकते हैं, जिससे कि हमें उस अपने भाई या बहन जो कि कोविड पॉजिटिव है, उससे हमें ये डिसीज ना ट्रांसमिट हो जाए, और हमें पेशेंट को आइसोलेशन में जब रखना चाहिए तो हमें क्या करना चाहिए पेशेंट के साथ, क्या नहीं करना चाहिए, और साथ में हम कौन सी दवाइयां और कौन सी सावधानियां बरत सकते हैं जिससे कि मरीज जल्दी ठीक हो जाए। साथ में और कुछ मरीजों ने ये मुझसे ये भी पूछा कि अगर हमें इस टाइम पे माइल्ड कोविड है, हमारा ऑक्सीजन सेचुरेशन, वाइटल्स वगैरह सभी नॉर्मल है, तो हम ऐसा क्या करें कि हम अपनी स्थिति को बिगड़ने से बचा सके। ज्यादातर यही मैम सवाल लोगों के मन में होते थे। जी मैम अक्सर जो लोग हैं वो ज्यादातर जो है इक्विपमेंट्स, दवाइयाँ और अन्य चीजें तो बांटते हैं, लेकिन जो एक होता है कि प्रिस्क्राइब करना या सही डिसी बताना कि कौन सी जी दवाई आपके लिए जरूरी है, गाइडेंस देना, वो जी आप लोगों ने शुरू किया, तो वो आपके जी दिमाग में कैसे आया, आइडिया कैसे आया और किस तरीके से आप लोगों ने उसे प्लान आउट किया, कितने लोगों की टीम लगी आपके इस कार्यक्रम में? देखिए, इस टाइम पे ये आइडिया हमें कैसे आया, कोविड की सेकेंड वेव बहुत ही भयानक रूप देखने को मिला है, सबको पता है। लेकिन जब मैंने देखा कि लोग मर रहे हैं, मतलब सुविधाएं नहीं मिल रही उनको, ऑक्सीजन नहीं मिल रही, मैंने अपने रिलेटिव्स में, फ्रेंड्स में, नेबरहुड में, सब जगह देखा कि लोग किस तरीके से मर रहे हैं, बहुत ही ज्यादा सीरियस इलनेस से गुजर रहे हैं। मैं आपको एक ज्यादा समय ना लेते हुए एक छोटा सा केस बताती हूँ। कोई बात नहीं, आप समय पूरा है आपका। शाम को मेरे पास में फोन आता है कि हमारे को एक बेड दिलवा दो, एक पेशेंट की हालत बहुत ज्यादा खराब है। और वो हमें ज्यादातर बातों और इंक्वायर करने पे मुझे पता चला कि पेशेंट आधे घंटे के अंदर मर सकता है। उस टाइम पे मैंने कुछ जहां पे अस्पतालों में मेरी जानकारी थी, मैंने फोन घुमाया और पता किया कि बेड अवेलेबल है या नहीं, आईसीयू अवेलेबल है या नहीं, तो मुझे पता चला कि आईसीयू अवेलेबल नहीं है। तो मेरे को क्या दिख रहा था, मुझे दिख रहा था कि ये मरीज आधे घंटे के अंदर मर सकता है, बट सुविधाएं नहीं है जिनकी वजह से ये मरीज नहीं बचाया जा सकता। तो ये जब मैंने देखा और इस तरह के कई सीन मैंने देखे, तो इससे मुझे काफी दिल पे मेरे बहुत जोर चोट पहुंचती थी, मुझे काफी संवेदना होती थी। तो मुझे लगा कुछ ना कुछ पब्लिक के लिए करा जाना चाहिए, जिससे कि मैं लोगों को गाइडेंस दे पाऊं, अगर मॉडरेट या कम इलनेस है तो वो ज्यादा इलनेस में कन्वर्ट होने से बचा पाए, या जैसी भी लोगों के मन में शंका है किसी भी तरह की, मैं उनको अपनी गाइडेंस के थ्रू पहुंचा पाऊं। तो मैंने ये सोचा, जिससे कि मैंने अपनी गूगल मीट्स,
वेबिनार की मीट्स, जूम मीटिंग ये शुरू की लोगों के साथ, ताकि मैं वाइड पब्लिक तक पहुंच पाऊं और अपनी गाइडेंस दे पाऊं। फिर फेसबुक मैम के थ्रू ही, सॉरी, फेसबुक के थ्रू मेरे को एक अमित जी हैं जिन्होंने मुझे मदद फाउंडेशन के बारे में बताया। उन्होंने मुझसे आग्रह किया कि मैं उन जूम मीटिंग के जरिए कोई एक प्रोग्राम करूं जिससे कि मैं अपनी सर्विसेज को लोगों तक पहुंचा पाऊं। तो अमित जी के थ्रू मैं मदद फाउंडेशन से जुड़ी। इस तरह अभी हम हम ये चाहेंगे कि कोशिश इस कर रहे लाइव हैं। सेशन से भी अगर कोई सवाल किसी का होगा आपसे रिलेटेड, मेडिकल हेल्थ से रिलेटेड, तो वो आपसे जी जरूर पूछ ले कमेंट सेक्शन में, वो हाँ, हम आप तक लाएंगे। साथ ही कुछ सवाल जो है जनता भी पूछती है हमारे इस पूरे सेशन में लाइव कमेंट बॉक्स में, वो भी हम आपके आगे रखेंगे ताकि आप उनके भी जवाब दे पाए। साथ ही आगे बढ़ते हैं मैम, ब्लैक फंगस पे एक बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा। जी आप कुछ कहना चाहते पहले वो बात। हाँ, मैं ये कह रही हूँ कि मैंने ये सिर्फ आज से ही जारी नहीं है, कोविड पीरियड से जारी नहीं है, कि जहां पर मैं जनता तक पहुंचना चाहती हूँ, उन तक उनकी क्वेरीज और उनके डाउट्स को क्लियर करना चाहती हूँ, खासतौर से जो बेसिक हेल्थ नीड्स हैं उनके बारे में उन्हें बताना चाहती हूँ, और कुछ बीमारियां जो कोई कॉमन इलनेस है उनके बारे में बताना चाहती हूँ। ये सिर्फ कोविड में नहीं हो रहा है, मैं उससे पहले भी ये ट्राई कर रही थी। इसके लिए मैंने अपना एक यूट्यूब चैनल बनाया था, द पब्लिक हेल्थ रेवोल्यूशन। उस पे मैं कुछ कुछ वीडियोस पीरियोडिकली अपलोड करती रहती हूँ, ताकि मैं मोर एंड मोर पीपल्स को अवेयर कर सकूँ। मैम आपने इतना सब कुछ किया है, आप क्या लगता है कि जो ब्लैक फंगस है, आप खुद दिल्ली सरकार के अस्पतालों में काम करती है, क्या दिल्ली सरकार और दिल्ली सरकार के अस्पताल ब्लैक फंगस जैसी महामारी को रोकने के लिए तैयार हैं, उतने सक्षम हैं आपको लगता है? क्योंकि अभी दिल्ली में देखिए, लगभग 200 से अधिक केस हैं ब्लैक फंगस के। हाँ देखिए, एट प्रेजेंट ब्लैक फंगस उभर के आ रहा है, लेकिन जो ये निकल के आ रहा है ना, इसके जो केसेस निकल के आ रहे हैं, ये ज्यादातर पोस्ट कोविड में देखे जा रहे हैं। और आप लोग भी नोटिस कर रहे होंगे, जब कोविड की वेव धीरे धीरे डाउन हो रही है, तभी ये म्यूकोरमाइकोसिस निकल के आ रहा है। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो कोविड की वजह से बॉडी की इम्यूनिटी थी, जो अधिकतर पेशेंट्स, उनकी इम्यूनिटी डाउन हो चुकी है। दूसरा क्या है, वो लोग स्टीरोइड खा चुके हैं, जिसकी वजह से भी उनकी इम्यूनिटी डाउन हो चुकी है। तो इन लोगों की इम्यूनिटी डाउन हो गई है, कोविड के म्यूकोरमाइकोसिस के केसेस बढ़ गए हैं। तो ऐसा नहीं है कि अस्पतालों में एट प्रेजेंट या आगे आने वाले टाइमों में वो नहीं मिलेगा, लोगों को इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं हो पाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल हो पाएगा, दिल्ली गवर्नमेंट ने पूरी प्रयास करी है और करती भी रहेगी कि लोगों को हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करे, ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं मुहैया कराई जा सके। और साथ में लोगों को भी डरने की जरूरत नहीं है कि कोविड के टाइम में उन्हें ऐसा टाइम देखने को मिला, इतना भयानक टाइम देखने को मिला, जहाँ पे उनके पास बेड और ऑक्सीजन तक मिलनी मुश्किल हो रही थी। तो आगे आने वाले ब्लैक फंगस के, अगर इनकेस एपिडेमिक दिल्ली में भी हो गया, तो उनको ये सब चीजें नहीं मिल पाएंगी। ऐसा नहीं होगा, दिल्ली गवर्नमेंट में इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है कि आसानी से इन चीजों को मैनेज किया जा सकेगा। मैम काफी सवाल हैं जो आने लगे हैं कमेंट बॉक्स में, मैं स्क्रीन पे सवाल भी लाऊंगा और आपसे वो बोल के भी पूछूंगा। सबसे जी पहला एक सवाल है कि आपने मदर एनजीओ के साथ मिलकर किस तरीके का अनुभव लिया है, जो आपने ये कार्यक्रम किया इसमें, तो वो किस तरीके का आपका मदद रहा, ये वैभव का क्वेश्चन है आपके लिए। ठीक है वैभव जी, देखिए, मदद एनजीओ, ना केवल मदद एनजीओ बल्कि और भी कोई किसी भी तरह की एनजीओ हो, अगर कोई एक बंदा एनजीओ के थ्रू जुड़ के अपनी सर्विसेज देता है, तो वो किसी एक इंसान तक नहीं पहुंचती है, वो बहुत सारी जनता तक पहुंचती है। तो एनजीओ का यही फायदा है, या जो संस्थाएं होती हैं उनका यही फायदा है कि जो सर्विसेज हैं वो हम ज्यादा पब्लिक तक पहुंचा सकते हैं। तो जब मैं अपनी सर्विस ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकती हूँ, तो ऑब्वियसली मुझे उससे सेटिस्फेक्शन तो होगा ही। भाई, जिस चीज के लिए मैं डॉक्टर बनी हूँ, अगर मैं उस चीज को ज्यादा जनता तक पहुंचा पा रही हूँ और ज्यादा जनता मेरा फायदा उठा सक रही है मेरी सेवा लेके या मेरी सर्विसेज लेके, तो उससे मुझे इंटरनल सेटिस्फेक्शन मिलता है और मुझे लगता है कि शायद यही मेरी सक्सेस है जिंदगी की। मैम इसी तरीके से कि ब्लैक फंगस जो है वो इस तरीके से फैल रहा है, इसको रोकने के क्या उपाय होंगे, किस तरीके से कम करें, मन में जो लोगों के खतरा बढ़ रहा है उसको कैसे रोकें, क्योंकि एक डरावनी स्थिति दिखती नजर आ रही है एक बार फिर से, और अभी तो तीसरी लहर और पता नहीं अन्य कितनी लहरों का आना बाकी होगा। बिल्कुल, देखिए, इसके बारे, ये सारे क्वेश्चंस का जवाब देने के लिए हमें इस बीमारी के जो बेसिक जानकारी है वो होनी चाहिए कि ये जो बीमारी है कहाँ होती है और किनको हो सकती है और किस तरह हो सकती है। ठीक है, तो बीमारी होती कहाँ कहाँ पे है? ये जो बीमारी है, कहीं कोई ऐसी जगह नहीं होगी शायद जहाँ इसके बीमारी के जो स्पोर्स होते हैं, जो फंगस के जो स्पोर्स होते हैं जिसकी वजह से ये फैलती है,
वो हर जगह होती है, कोई ऐसी जगह नहीं है हो सकती होगी जहां ये शायद ना हो। खास तौर से जो एनवायरनमेंट होता है ये हर जगह है, हवा में, पानी में हो सकता है, खास तौर से ये सॉइल में हो सकता है, खेतों वगैरह में, जहाँ पे कि आम जो जमीन नहीं होती, फ्रेश फर्श नहीं होता, फर्श की जितनी सफाई नहीं होती, मिट्टी ज्यादा होती है, और मॉइस्ट सॉइल जो खास तौर से होती है वहां हो सकता है। जो वार्म एंड मॉइस्ट क्लाइमेट होता है वो इसके लिए फेवरेबल होता है फंगस के पनपने के लिए। तो ऐसी जो वार्म एंड मॉइस्ट वाली जगह होती है उनमें ये ज्यादा पनपता है। ठीक है, तो ये होता कहाँ है ये हमें पता लग गया। हो किन को सकता है ये भी मैंने अभी बताया, जैसा कि जो रिस्क फैक्टर होते हैं वो लोग होते हैं जिनकी इम्यूनिटी कम हो गई हो, इम्यूनिटी कम हो गई हो, अगर डायबिटीज अनकंट्रोल्ड हो, स्टीरोइड का इंडिस्क्रिमिनेट यूज कर लिया हो, ओवर यूज कर लिया हो, या पेशेंट को ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ हो, इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग्स पे हो, कैंसर हो, एचआईवी हो, प्रेगनेंसी हो, इन लोगों को होने के चांस ज्यादा होते हैं। अब बात आई ट्रीटमेंट की, ट्रीटमेंट के लिए एंटी फंगल मेडिकेशन दिया जाता है, हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। एक बात जो यहाँ जानने वाली जरूरी है वो ये है कि म्यूकोरमाइकोसिस जो ये डिसीज है ना, ये काफी रेयर है, ऐसा नहीं बहुत कॉमन है कोविड की तरह, बहुत ही ज्यादा रेयर है। बट जो रेयरिटी में भी जो केसेस निकल के आते हैं वो सीवियर भी हो, सीवियर ज्यादा होते हैं उसमें, यानी कि इसकी जो सीवियरिटी है डिसीज की बहुत ज्यादा है, इसकी मोर्टेलिटी भी काफी ज्यादा है, मरने के चांस भी इसमें ज्यादा ही रहते हैं। ठीक है, तो अब हम मैम बात करते हैं इसमें बचाव की। हाँ जी सॉरी, जी जी बोलिए बोलिए बदला जी मैं जी कह रही थी पूरा कि कीजिए आप। अब हाँ हम अब हम बात करते हैं बचाव की। बचाव के लिए जरूरी है कि हम अपनी इम्यूनिटी को बना के रखें। अगर मरीज को डायबिटीज या हाइपरटेंशन है तो उसको प्रॉपर कॉम्प्लायंस दिखाना चाहिए मेडिकेशन में, अपना ब्लड शुगर को कंट्रोल करके रखना चाहिए, और इम्यूनिटी को बूस्टअप करके रखने के लिए वेल न्यूट्रिशियस डाइट लेनी चाहिए उसको, और जो स्टीरॉयड है उसका इनडिस्क्रिमिनेट यूज नहीं होना चाहिए। सबसे ज्यादा एट प्रेजेंट ध्यान देने वाली बात यही है, इसको बिना डॉक्टर की सलाह के यूज नहीं करना चाहिए और लंबे टाइम तक भी यूज नहीं करना चाहिए। स्टीरॉयड के यूज पे खास तौर से मैम ध्यान दिया जाना चाहिए और सफाई भी बरतनी चाहिए, वो भी बहुत ज्यादा जरूरी है। मैम सवाल ये है कि जिस तरीके से कोरोना महामारी दूसरी लहर जो आई वो देश में इस कदर फैली है कि सरकारें चरमरा गई, सरकारों की व्यवस्थाएं चरमरा गई, चाहे वो दिल्ली की हो, चाहे देश की हो, चाहे किसी अन्य राज्य की हो। ऐसे में 14 राज्य हैं जिन्होंने इसको महामारी घोषित कर दिया है, तो क्या सरकारें ब्लैक फंगस से निपटने के लिए तैयार हैं? इतने रिसोर्सेस सरकार के पास हैं, दवाइयां हैं या नहीं हैं? देखिए पवन जी, मैंने अभी अभी इस क्वेश्चन का जवाब विद रेस्पेक्ट टू दिल्ली गवर्नमेंट दिया था कि जो जनता को लग रहा होगा कि शायद अब कोविड का फेस निपटा है तो अभी ब्लैक फंगस का उभर के आएगा तो यही सीन देखने को मिलेगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि कोविड के केस में जो थी ट्रांसमिसिबिलिटी, इन्फेक्टिविटी वायरस की बहुत ज्यादा थी, बट म्यूकोरमाइकोसिस का जो ट्रांसमिशन है वो इतना ज्यादा नहीं है, ये क्योंकि एक रेयर डिसीज है, बहुत कम केसेस में देखने के लिए मिलती है। माना कि थोड़ा ज्यादा आ रहे हैं बट इतना भी ज्यादा नहीं है कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर ही कम पड़ जाएगा। ठीक है, और दूसरी क्या बात है कि आपका जो कोविड के मरीज का जो एक कर्व था वो डाउन आना शुरू हो गया है, यानी कि हॉस्पिटल में जो जगह भर गई थी अब वो खाली होनी शुरू हो गई है। तो ऐसा नहीं है कि मरीज को हेल्थ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं कराया जा सकेगा। तो आप लोगों को इस बात से तो निश्चिंत रहना चाहिए कि जो सरकारें हैं वो पहले चरमरा गई थी अर्थव्यवस्था, सरकार की जो स्थिति है वो चरमरा चुकी थी, तो आगे आने वाले टाइम में भी ऐसा होगा, ऐसा नहीं होगा। मैम तीसरे फेज में क्या प्रिकॉशंस रखने जरूरी होंगे महामारी के, क्योंकि तीसरे फेज को लेके बच्चों पे बहुत ज्यादा असर बताया जा रहा है। क्या डर रहेगा, किस तरीके से उसमें प्रिकॉशंस लें, देखिए पहले बच्चों वेव का जब आई कैसे थी ख्याल रखें? 2020 में, जब फर्स्ट वेव आई थी तब भी ये मान के तो चला ही जा रहा था कि सेकेंड वेव भी आएगी। अब सेकेंड आई है तब भी ये मान के चला जा रहा है कि थर्ड भी आएगी। ठीक है, अब सेकेंड में काफी बदला हुआ रूप देखने के लिए आया है सबके सामने, सभी इस बात से वाकिफ हैं। इसी तरह थर्ड वेव में भी बदला हुआ रूप देखा जा सकेगा। बदला हुआ रूप मतलब क्यों होता है? बदला हुआ रूप इसलिए होता है क्योंकि वायरस जो है वो अपने म्यूटेंट स्ट्रेन बना लेता है, जो स्ट्रेन उसका पिछले साल था वो स्ट्रेन इस साल नहीं है, जिसकी वजह से वो जो वायरस है अपना एक स्ट्रॉन्ग बन जाता है। इसी तरह थर्ड वेव में भी मोस्ट लाइकली जो वायरस होगा वो अपना स्ट्रेन बदल के आएगा और बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रूप धारण करके आएगा। अब जो थर्ड वेव देखी जाएगी, जिसके बारे में ये कह पाना अभी थोड़ा मुश्किल है क्योंकि इतना डेटा और एक्सपर्ट्स जैसा कि बता रहे हैं वो ये कहते हैं कि अभी कह नहीं सकते कि कब तक आएगी, बट जब भी आएगी तब ये काफी स्ट्रॉन्ग वेव होगी और इन्फेक्ट करने के चांस
चिल्ड्रंस में ज्यादा रहेंगे। ऐसा क्यों है? क्योंकि एट प्रेजेंट जो वैक्सीनेशन का ड्राइव चल रहा है उसमें हमने एल्डरली पीपल और साथ में यंग पीपल को कवर करने का फैसला लिया है। ये लोग तो इम्यूनाइज हो जाएंगे, बचेगा कौन? बचेगा जो छोटे बच्चे हैं। तो छोटे बच्चे इम्यूनाइज भी नहीं होंगे, जिसकी वजह से उनको इन्फेक्शन एक्वायर करने की जो चांसेस रहेंगे वो ज्यादा रहेंगे। तो बचाव के लिए आप लोगों को यही करना है कि अपने बच्चों को हैंड हाइजीन सिखाना है, उनको रेस्पिरेटरी हाइजीन सिखाना है, और साथ में अपने बच्चों को अंदर घर के अंदर रहने की ज्यादातर सलाह देनी है। मैम, ये भारत में ही क्यों फैल रहा है? क्या जी? हाँ जी पवन जी, सॉरी मैं सुन नहीं पाई। मैं कह रहा हूं कि ये जो ब्लैक फंगस है, ये भारत में ही क्यों सबसे ज्यादा फैल रहा है? देखिए, भारत में जो फैलने के पीछे रीजंस हो सकते हैं वो ये हो सकते हैं, जैसा कि मैंने अभी बताया भी था कि जो इसका जो फंगस का जो जो एक फैलने की एक वो होती है, नेचर होती है, वो वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट में होती है। ठीक है, अब एज इट इज वेल नोन कि इंडिया की जो वेदर है वो वार्म तो है और यहाँ पे मॉइस्ट क्लाइमेट भी है, तो यहाँ पे इसके फैलने के ज्यादा सीन नजर आ रहे हैं, और खास तौर से ऐसी स्टेट्स में ये ज्यादा मिल रहा है जहाँ का क्लाइमेट वार्म और मॉइस्ट है, तो इस वजह से इसके केसेस ब्लैक फंगस के यहाँ देखने को ज्यादा मिल रहे हैं। ना सिर्फ ब्लैक फंगस, दूसरी तरह के जो फंगस होते हैं जैसे कि एस्परजिलस कैंडिडा वगैरह, इसके केसेस भी भारत में देखने को ज्यादा मिलते हैं। जी, एक व्हाइट फंगस के नाम से भी जो आम भाषा में बोला जा रहा है। हाँ, बट उसके केसेस अभी इतने अच्छा मैम निकल के सामने नहीं आए हैं। हाँ जी, मैम अशोक शर्मा जी का सवाल है कि जो ब्लैक फंगस है, क्या ये भी एक कम्युनिकेबल डिसीज है कोविड की तरह? देखिए, कम्युनिकेबल ये नहीं कहूंगी कि अगर एक पेशेंट को है आपके घर में, सपोज करके अगर चले कि किसी पेशेंट को है तो उससे आपको लग जाएगी, क्योंकि आपकी इम्यूनिटी रोल प्ले करेगी अगर आप नॉर्मल इम्यूनिटी के इंसान है तो वैसे ही एक कम्युनिकेबल डिसीज है, नो डाउट। बट ऐसा नहीं है कि भाई पेशेंट को अगर है मेरे घर में किसी को तो मैं इतना पैनिक कर जाऊं कि उससे मुझे भी हो जाएगा, इसके लिए इतना पैनिक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लेकिन आम कांटेक्ट में आने से हो जाएगा, ये आप मानते हैं? देखिए कांटेक्ट में अगर आ गए हैं, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया एनवायरनमेंट में, सॉइल में, हर जगह है इसका वायरस, बट ऐसा नहीं है कि हर किसी सॉरी ये जो फंगस है एनवायरनमेंट में, सॉइल में, हर जगह है, बट ऐसा नहीं है कि ये हर किसी को हो रहा है। होगा उसी को जिसकी इम्यूनिटी डाउन होगी, स्किन में अगर सपोज स्किन में कोई ब्रीच है, चोट वगैरह है, वो अगर चोट के थ्रू आपका कांटेक्ट हो गया सॉइल से या इन्फेक्टेड किसी भी चीज से, तो आपके ब्लड में फंगस का जो है स्पोर और इन्फेक्शन जा सकता है। मैम, जिन्होंने वैक्सीन ले ली है, क्या उन उन लोगों को भी ये ब्लैक फंगस खतरनाक है उनके लिए, या उनको भी हो सकती है बीमारी ब्लैक फंगस की, जिनके जिन्होंने वैक्सीन ले ली है, एक डोज या दो डोज? देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये है, ये जो क्वेश्चन इमर्ज होके आया ना, ये आउट ऑफ फियर इमर्ज होके आया है कि मैंने वैक्सीन ले ली है क्या मुझे हो सकता है, इसका कोई इससे क्वेश्चन का कोई लेना देना नहीं है ब्लैक फंगस की इन्फेक्शन के होने से, क्योंकि ये होगा उन्हीं को जिसकी इम्यूनिटी डाउन हो जाएगी। कोविड हो गया, अगर आपको कोविड में आपकी बॉडी ने आपकी इम्यूनिटी ने फाइट किया कोविड वायरस के अगेंस्ट, तो आपकी इम्यूनिटी पहले ही कॉम्प्रोमाइज थोड़ी बहुत हो जाती है, बॉडी की इम्यूनिटी, साथ में आप कोविड के लिए ड्रग्स लेते हो उससे आपकी इम्यूनिटी थोड़ी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, तब चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन आपने वैक्सीन ली है तो इसमें तो कोई आपकी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं हुई, तो इसमें ऑलमोस्ट निल चांसेस, नो चांसेस। मैम, हम आपके बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं कि आप ये जो निशुल्क कंसल्टेशन दे रही हैं वो आपकी जारी रहे और बहुत से लोगों को इससे फायदा मिलता रहे। मैम, एक आखिरी सवाल आपसे ये होगा कि बोला जा रहा है कि ये रेमडेसिविर का साइड इफेक्ट है जिसकी वजह से ब्लैक फंगस फैल रहा है, कि नो जो फेक या फर्जी रेमडेसिविर लगाए गए हैं या बेचे गए और पेशेंट्स ने यूज किए हैं, उनमें जल्दी फैल रहा है, तो क्या ये नहीं इस बात नहीं में सच्चाई है कि नहीं नहीं रेमडेसिविर इसका कारण है? दिस इज बिल्कुल इररिलेवेंट थिंग। ये रेमडेसिविर की वजह से नहीं है, ये स्टीरॉयड ओवर यूज की वजह से है, स्टीरॉयड के इनडिस्क्रिमिनेट यूज की वजह से है। घर में बैठ के लोगों ने खुद ब खुद दवाई ली है, क्योंकि आजकल दवाई हर किसी को पता है, न्यूज ने, मीडिया ने इतना फैला चुके हैं, या फिर जो गूगल वगैरह ये सबको बताता है कि भाई क्या दवाई देनी चाहिए कोविड के केस में, तो ये स्टीरॉयड भी बताता है, सब लोगों को पता है स्टीरॉयड भी लेने, तो घर बैठ के लोग आम अपने आप से स्टीरॉयड लेते हैं जिसकी वजह से उनकी इम्यूनिटी डाउन होती है। रेमडेसिविर का ऐसा कुछ नहीं है कि ये इम्यूनो सप्रेशन करता है, ये एक एंटीवायरल मेडिकेशन होती है,
तो इसका इसमें कोई रोल नहीं होगा। मैम एक नव्या कुमार जी का सवाल है कि ये जो ब्लैक फंगस है इसमें क्या खाना पीना चाहिए, क्या डाइट रखनी चाहिए कि इससे बच सकें और अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग रख सकें। आपको देखिए, एक जो बैलेंस्ड डाइट बोली जाती है, अगर मैं प्लेट के हिसाब से समझाऊं, WHO ये बोलता है कि जो एक बैलेंस्ड डाइट होती है जिसमें कि आपका हाफ प्लेट जो है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल होना चाहिए, जो आपका 1/4 जो पोर्शन है उसमें आपका सीरियल्स एंड पल्सेस होने चाहिए, और जो बाकी बचा 1/4 उसमें आपका जो डेयरी प्रोडक्ट्स हो गया, फैट, ऑयल और मिनिमम अमाउंट में शुगर, ये सब होना चाहिए। तो आपको एक बैलेंस्ड डाइट लेनी चाहिए जिससे कि आपका जो है ना बॉडी का न्यूट्रिशन नॉर्मल बना रहे। सप्लीमेंट से मैं बचने की सलाह दूंगी हर किसी को, जो विटामिन के सप्लीमेंट्स है वो नहीं खाने चाहिए क्योंकि उनके अपने साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, तो फालतू में सप्लीमेंट्स लेने की कोई जरूरत नहीं है, बस एक बैलेंस डाइट आप खाइए जिससे कि इम्यूनिटी नॉर्मल रहे। मैम जो बच्चे हैं उनके लिए क्या होगा, क्योंकि तीसरी वेव बच्चों के लिए पेरेंट्स बहुत परेशान हैं अभी भी आखिरी जाने से पहले, बच्चों के लिए कोई टिप्स या कोई कंसल्टेंस आप कहना चाहें देना चाहें। बच्चों के लिए पेरेंट्स को मैं यही टिप देना चाहूंगी कि आप अपने बच्चों को ट्रेन करना शुरू करिए, हैंड हाइजीन कैसे मेंटेन करना है, आपको पीरियोडिकली कब कब आपको हैंड वॉश करना है और कैसे हाथ धोने हैं, कितनी देर तक हाथ धोने हैं, ये उनको सिखाइए। रेस्पिरेटरी हाइजीन उनको मेंटेन करना सिखाइए कि जब भी आप खांसो छींको तो मुंह पे हाथ रखना चाहिए या रुमाल रख के खांसना चाहिए, ये सब आप उनको सिखाइए। और साथ में उनको थोड़ा सा ये समझाइए कि बाहर जाना आजकल सेफ नहीं है क्योंकि बच्चे थोड़ा जिद्दी होते हैं, टेम्पर्ड होते हैं, तो उनको जो है बाहर जाने की जिद भी करते हैं कई बार, तो आपको उनकी ये जिद नहीं मानना है और उनको सिखाना है कि घर में रहना एट जी प्रेजेंट सबसे ज्यादा सेफ है। तो बस यही बच्चों को सिखाइए और ट्रेन कीजिए इस चीज में। ठीक है मैम, बहुत बहुत धन्यवाद अनुराधा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे को समय देने के लिए, हमारे दर्शकों को समय देने के लिए। आपकी ये सेवा इसी तरह निरंतर जारी रहे, हम इसकी आपकी कल्पना थैंक यू सो और मच। कामना करते हैं। साथ ही अमित जी का धन्यवाद और मदर फाउंडेशन का, जो इस तरीके के प्रोग्राम्स देश में चला रही है, वॉलेंटियर्स को जोड़ रही है, लोगों को कंसल्टेशन फ्री प्रोवाइड करा रही है एक्सपर्ट्स के द्वारा। तो मैं चाहूंगा कि ये जारी रहे, हमारे साथ आप लोग जुड़े रहें और आगे भी हमारे साथ आप इस तरीके से डिबेट्स में पार्ट लें और जनता को अवेयर करें। इसी के साथ आपसे अलविदा लेंगे मैम, बहुत बहुत शुक्रिया दर्शकों, आगे भी इसी तरीके से आपके लिए और नए नए एक्सपर्ट्स के साथ हम जरूर जुड़ेंगे। और इस तरीके से जैसे मैम ने बताया, ब्लैक फंगस से घबराइए नहीं, इसका इलाज पुख्ता है सरकारों के पास भी और हर किसी प्रशासन के पास, आप सिर्फ डरिए नहीं, लेकिन इसमें पैनिक क्रिएट ना कीजिए, महामारी नहीं है ये, इसमें महामारी जैसा कुछ नहीं है, फैल रहा है वो एक अलग बात है, फैलने से रोकने के लिए सरकार अपने अथक प्रयासों में लग चुकी है और वो काम कर रही है, डॉक्टर्स की टीम काम कर रही है देश के हर कोने में। धन्यवाद आप सभी का लाइव सेशन में जुड़ने के लिए। इसके बाद हमारा जो 5 बजे का लाइव सेशन था जो पोस्टपोन हो गया था क्योंकि टेक्निकल इश्यूज की वजह से, हमारे साथ अमित जैन सिंगर जुड़ेंगे बॉलीवुड के, आप लोग बने रहिएगा। इसके बाद 10 मिनट बाद दोबारा से एक और लाइव सेशन होगा जिसमें कि हमारे साथ बॉलीवुड सिंगर अमित जैन जुड़ेंगे और वो अपने कोरोना काल के अनुभवों को साझा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, लाइक कीजिएगा वीडियो को, जी शेयर कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये मैम के मैसेज को पहुंचाइएगा ताकि लोग अवेयर हो सके। ये वीडियो अवेयरनेस के लिए है, ये लाइव सेशन अवेयरनेस के लिए है। धन्यवाद, थैंक सुरक्षित यू। रहिए, घर में रहिए, धन्यवाद।